Sure, thank you. So, very good afternoon to all the participants. I can see many names who might recognize me. वो मुझे जानते होंगे या मैं उन्हें जानती हूँ, जो पहले हमारे किसी ना किसी प्रोग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ चुके हैं. सो आप सभी को मेरा नमस्कार. तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसा डॉक्टर प्राची ने अभी मेंशन किया, हम लोग बात करेंगे वीडियो रिसोर्सेस की, उनकी एडिटिंग की और उनके यूज की. सबसे पहले तो हमें यूज को समझना है, तभी हम मतलब हमें नीड इस्टेब्लिश करनी है कि हमें वीडियो रिसोर्सेस क्यों चाहिए. जब हमारी नीड इस्टेब्लिश होगी तभी हम उसे क्रिएट कर पाएंगे और उस समझ के साथ क्रिएट कर पाएंगे कि वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो क्लासरूम में. अल्टीमेट एम हम सबका क्या है कि बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेस पहुंचे. और जहां तक वीडियो रिसोर्सेस की बात है, वो एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमें हेल्प करता है, प्लस मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में इट कैन बी यूज्ड. देयर कैन बी अ बेटर ऑप्शन, बट दिस कैन डेफिनेटली बी यूटिलाइज्ड इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स अलोंग विद मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच वी आर टीचिंग इन आर क्लासरूम. और वीडियो रिसोर्स ऐसा एक रिसोर्स है जिसकी फेमिलियरिटी हमसे बहुत ज्यादा है, इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग वीडियोज, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग वीडियोज. हो सकता है एजुकेशनल वीडियोज हमने ना बनाए हों या कम बनाए हों, लेकिन हम वीडियोज जरूर रिकॉर्ड करना जानते हैं. और आजकल तो हम देखते हैं रील्स के माध्यम से, हो सकता है आप ना कर रहे हो, हम सबके जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली रील्स क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स डाल रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि ये बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है अचीव करने के लिए, हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमारे अंदर एक ये मोटिवेशन होना कि ये एक टाइप का रिसोर्स है जो यूजफुल है, कहाँ यूज होगा वो, प्लस मैं इसे आराम से बना सकता हूं या बना सकती हूँ. ये तीन चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो हम वो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं विद अ गुड बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और हम लोग शुरू करेंगे अपना मेन सेशन. ओके. उम्मीद करती हूँ कि सभी को फुल स्क्रीन में मेरी पीपीटी दिख रही होगी. क्या कोई बता पाएगा? ओके, थैंक यू सुषमा मैम. सो हम बात कर रहे हैं वीडियो रिसोर्सेस की. वीडियो रिसोर्सेस को हम कैसे समझते हैं, क्या है वीडियो रिसोर्स, या ये जो मैंने एक टर्म यूज किया है डिजिटल स्टोरी टेलिंग, ये क्या है? वीडियो जो है वो एक डिजिटल मोड है जिसके थ्रू हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम इसे डिजिटल स्टोरी भी कहते हैं. तो है क्या वो वीडियो रिसोर्स? अपने आप में केवल वीडियो नहीं है, इट इज अ विजुअल रिसोर्स अलोंग विथ डिफरेंट अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेस. सो इट इज नॉट अ सिंगल लीनियर वे ऑफ सेइंग इट, इट इज नॉट अ सिंगुलर मेथड, बल्कि इसके अंदर मल्टीमीडिया अप्रोच जो है वो इंक्लूडेड होती है. जैसे कि हम इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं और फिर एक फाइनल कंटेंट तैयार होता है. जैसे आप किसी भी वीडियो में देखेंगे तो एक टेक्स्ट या जो एक पर्सन बोल रहा है वो होता है, उसके अलावा कुछ इमेजेस हो सकती हैं, उसके अलावा कोई और वीडियो हो सकता है, या उसके अलावा कोई मैप या इंफोग्राफिक्स या कोई एनिमेशन या कोई कंप्लीट ग्राफिक वो भी हो सकता है, कोई टाइमलाइन. ये सारी चीजें जो हैं एक वीडियो का पार्ट बन सकती हैं. इसके अलावा हम लोग उसके अंदर टेक्स्ट का भी यूज करते हैं. जैसे मान लीजिए अगर हम अभी का एग्जाम्पल लें और आप कंसिडर करें कि मैं लाइव नहीं बोल करके मेरा ही वीडियो चल रहा है, तो इसके अंदर एक मेरा विजुअल है जो कि मेरा चेहरा है, दूसरा वो मटेरियल है जो मैं बोल रही हूँ, जो नरेशन मैं दे रही हूँ वो है, तीसरा मेरी स्लाइड है, अभी के लिए पीपीटी है. इसको आप इमेज समझ लें, स्लाइड समझ लें या इंफोग्राफिक समझ लें, डिपेंड्स मैं क्या प्रेजेंट कर रही हूँ. इसके तुरंत बाद हम
कुछ चीजें डिस्कस करने के बाद हम जो है एक टूल को देखेंगे, टूल वेबसाइट पे देखेंगे, डाउनलोड मैकेनिज्म देखेंगे, तो वो वीडियो ना हो करके मैं रियल में आपको करके दिखाऊंगी, डेमोन्स्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं। और सिमिलरली उसी के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें जब करेंगे तो ये जो है एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आपका बनता है। तो इसीलिए इसको सिंगल वीडियो ना बोल के हम डिजिटल स्टोरी कहते हैं, क्योंकि डिजिटल एस्पेक्ट्स इसमें बहुत सारे होते हैं। हम किसी एक केवल हमने ये नहीं किया है कि मैं बोल रही हूँ और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दो ही एलिमेंट है ऑडियो वीडियो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हम इसको वो डिजिटल स्टोरी टेलिंग हम कहते हैं। तो इसके अंदर डिजिटल स्टोरी टेलिंग के अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी होती है एज अ टीचर हमारे पास, वो है कि इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट जॉनर्स एक साथ मिलते हैं, एक तो कला बोलने की, कला कहने की या स्टोरी सुनाने की, और दूसरा है कंटेंट को प्रेजेंट करने की कला, जो कि वीडियो है, ये जो माध्यम है विजुअल मीडियम वो। तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी एक चीज में, बल्कि हमारे पास एक पूरा माध्यम है और एक कला है, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा एक डिजिटल स्टोरी डेवलप होता है। अब एजुकेशनल वीडियोस का यूज क्या है, हम क्यों, हमें जरूरत क्या है उसके, हम क्यों उसको सुने या उसके बारे में जाने या उसके बारे में उसको बनाने की कोशिश करें या समझे उसके बारे में। तो यह है कि हम इसको, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक वो टूल है जो कुछ भी किसी भी तरह के टॉपिक को पढ़ने में समझने में हमारी मदद करता है। अब आप अपना उदाहरण लीजिए एक बार फिर से कि आपको जब एक बच्चे को टॉपिक पढ़ना है, वो वीडियो देखता है, यूट्यूब पे देख सकता है, दीक्षा पे देख सकता है या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे देखता है। आप, मैं या हमारे साथी जितने टीचर्स हैं, तो हम डिफरेंट मैकेनिज्म की चीजें भी वीडियो के थ्रू देखते हैं, नॉट जस्ट आर एजुकेशनल मटेरियल। हो सकता है हम कुछ रेसिपीज देख रहे हो, हो सकता है हम कोई नई मतलब जैसे आज हम यहाँ सेशन ले रहे हैं, हो सकता है हम ऑनलाइन कोई नया टूल सीख रहे हो, या हम मान लीजिए टैक्स भरना है, हमें टैक्स भरने के आज की डेट में नॉर्म्स नहीं समझ में आ रहे कि हम टैक्स नंबर 1 में आएंगे या 2 में आएंगे, तो उसके लिए अगर हम नॉलेज लेना चाहते हैं तो हम उसके लिए यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। ड्राइंग पेंटिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है, हम उसके लिए देख रहे हैं, या हम दिवाली आ रही है तो हम चाहते हैं हम रंगोली बनाए तो हम रंगोली के लिए देख रहे हैं। सो एक एस्पेक्ट नहीं है, हम हर चीज जो है आज की डेट में वीडियो से सीख रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज द ओनली टूल और दिस इज द बेस्ट टूल। नो, दिस इज जस्ट वन ऑफ द टूल्स। वी कैन डिसाइड एज अ टीचर विच इज द बेस्ट टूल फॉर विच टॉपिक एंड विच सब्जेक्ट, दैट इज लिमिटेड टू अस। जो वीडियो टूल्स हैं या जो वीडियो रिसोर्सेज हैं, वो हमें किस चीज में मदद करते हैं, किसी भी विषय को जब हम पढ़ाते हैं जो आसानी से रियल लाइफ इवेंट से रिलेट हो सकता है, वो तो हम आराम से पढ़ा लेते हैं, पर जहां कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आता है, मतलब जो विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, या कोई डिफिकल्ट चीजें आती जो हमें नहीं समझ में आती है, तब हम कोशिश करते हैं कि हम वीडियो रिसोर्सेस को उसके अंदर ऐड करें और उसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएं। तो पर जब हम बनाने की बात करेंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं सभी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम मीडियम से इन्फ्लुएंस ना हो, हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो तब भी पेडागोजी ही रहेगा, कि एक टॉपिक को किस पेडागोजी से या किस टीचिंग मेथड से पढ़ाएं कि वो मोस्ट इफेक्टिवली जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचे। मीडियम इज वन थिंग, बट द मेन थिंग इज द कंटेंट एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट इन सच अ वे दैट इट रीचेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एनी रिसोर्स एंड अ टीचर क्रिएटिंग एनी रिसोर्स, बिकॉज जो पेडागोजिकल नॉलेज है वो और किसी के पास नहीं है। जैसे मैं मीडिया से आई हूँ, जब मैं मीडिया में थी मुझे पेडागोजी नहीं पता थी, मुझे सिर्फ वीडियो मेकिंग पता था, पर जब मैंने एजुकेशन में पढ़ाई की, जॉब की, तो मुझे समझ में आया कि पेडागोजी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमें उस इम्पोर्टेंस को बरकरार रखते हुए ही जो है अपना रिसोर्स डेवलप करना है। अब इसके अंदर हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ भाषण ना दें वीडियो में, हम केवल लेक्चर ना दें, टॉक ना दें, जैसे अभी मैं कर रही हूं, ये ना करें। क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट वन टूल, वी शुड एक्सप्लोर मेनी।
अभी हम देखेंगे हम इसी सेशन में कितनी तरह की चीजें और करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरह की इंटरैक्शन, मतलब एक ही तरह से वन वे पैसिव टीचिंग लर्निंग का उदाहरण पेश करें। जहां जरूरत है वो मीडियम ऑप्ट किया जाए, पर जहां नहीं है वहां हम कोशिश करें कि और मेथड्स को भी ऑप्ट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। पर्पस तो हम सभी समझते हैं कि हर सब्जेक्ट में हम इसे यूज कर सकते हैं, इसको हम टीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हम इसको लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, हम वीडियोस को असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, केस स्टडी डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क्स के लिए हम वीडियो रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो रीजन है, पर्पस है, यूज है जो वीडियो का, वो बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही वास्ट है। नाउ आपने आज सुबह के सेशन में ऑडियो रिसोर्सेस के बारे में जाना होगा, खूब डिटेल में सर ने आपको बताया होगा, जिसके अंदर ऑडियो प्रोग्राम्स और उनके फॉर्मेट्स की बात की है। तो सेम फॉर्मेट जो है वो वीडियो रिसोर्सेज में भी अप्लाई होते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि सर ने बहुत डिटेल में आपके साथ इसको डिस्कस किया होगा। बस इसमें डिफरेंस केवल ये रहता है कि वहां हमारे पास केवल एक मीडियम है बोलने का, यहाँ हमारे पास वीडियो का मीडियम भी है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है अपने कंटेंट को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की। हमारे पास दो सेंसेस को एंगेज करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है जिसे हमें यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी वीडियो प्रोग्राम पे हमने टेक्स्ट लगा दिया और हमने प्रेजेंट कर दिया, या लेक्चर के लिए एक पर्सन लगा दिया। नहीं, वहां हमें डिफरेंट रिसोर्सेस को दिखाना चाहिए जिससे कनेक्शन स्ट्रांग हो। सो डॉक्यूमेंट्री वो है जो जहां पे डॉक्यूमेंटेशन मतलब कंटेंट फैक्ट्स पे फोकस है, वहां पे रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है और डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बेस पर ही हम एक जो प्रोग्राम है वो बना पाते हैं। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी के प्रोग्राम्स देखेंगे तो उसके अंदर काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे हीरोज पे बने, मतलब इंडिपेंडेंस हीरोज पे बने हैं, जलियांवाला बाग पे बना है। तो वो सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्री बेस्ड प्रोग्राम है, उसमें कहीं भी फैक्ट से डिविएशन नहीं है। फैक्ट्स को देखते हुए, डेटा अवेलेबल होते हुए, फुटेज को देखते हुए देन उसको एक प्रोग्राम में पिरोया गया है। द सेकेंड इज ड्रामा। ड्रामा जो है इसके अंदर भी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैक्ट्स जो है वो क्रिएटिवली पोर्ट्रे किए जाते हैं। तो डायरेक्टली फैक्ट को फैक्ट की तरह नहीं बताया जाता, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इसके अंदर आता है। जो तीसरा है डॉक्यू ड्रामा, वहां पे फैक्ट्स के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं, उनको फैक्ट्स की तरह ही प्रेजेंट किया जाता है। बस प्रेजेंट एक ड्रामा स्टाइल में किया जाता है। तो दोनों में बहुत थोड़ा फर्क है, उसको हमें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट है टॉक, जिसे हम क्लासरूम में लेक्चर मेथड कहते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल टॉक्स कई बार सुनते हैं, वो सारी टॉक्स जो है दैट इज अ सिंपलेस्ट मोस्ट इजीएस्ट मेथड विच वी आर यूजिंग इन द क्लासरूम आल्सो नाउअडेज। उसके बाद है इंटरव्यू, वी आर वेल अवेयर ऑफ इट, हम न्यूज में भी देखते हैं, हम क्लासरूम में भी कंडक्ट करवाते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ बेसिकली इसके अंदर बातचीत होती है, जिसके अंदर वो, जैसे मान लीजिए हम कोई इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अब कोई नया रिफॉर्म आया जो कि बच्चों को पता लगना चाहिए, तो हम इंटरव्यूज के थ्रू नई नॉलेज को उन तक पहुंचाते हैं। उसी तरह मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज है वो इंटरव्यू बेस्ड है, जिसके अंदर हमारा जो कंटेंट है वो इंटरव्यू के माध्यम से हम तक निकल के आएगा। इंटरव्यू के फर्दर बहुत सारे, तीन टाइप्स हैं कम से कम, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में मतलब हमारे क्वेश्चंस फिक्स्ड है कि हमें क्या जानना है, सेमी स्ट्रक्चर्ड में हमारी गाइडलाइन बनी है उसके अंदर हम रह के काम करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड में पर्सन को देखते हुए हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा ये पर्सन मिल गया है, चलो इनसे इस बारे में पता करते हैं, ये इधर के एक्सपर्ट है। सो जहां कोई प्लानिंग नहीं है वहां अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। आगे आते हैं हम फीचर पे। फीचर पे सर ने बहुत फोकस किया होगा, जो कि एक फॉर्मेट है जो एक एट्रीब्यूट पे फोकस करता है, ना कि पूरे एलिमेंट पे। जैसे कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स की, तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में बहुत ज्यादा है, तो जब आप उनकी बात कर रहे हैं तो वहां पे आप सभी मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, या हर तरह की चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। आप उसमें हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो फीचर जो है केवल उसके ऊपर ही
फोकस करेगा, ना कि ओवरऑल आर्किटेक्चरल। उसके मान लीजिए एक मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार ले लीजिए, लाल किला ले लीजिए, पुराना किला ले लीजिए, उसको उठा करके उसके सभी एलिमेंट्स पे डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन है कि यहाँ का मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक पिलर है जो यहाँ भी है, कुतुब मीनार में भी है, बाकी कहीं नहीं है, इसके अलावा किसी और स्टेट में है। हम उस पिलर के ऊपर, उसके हो सकता है मटेरियल के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कहाँ से आया, वो कॉमन प्लेस से आया, उसके ऊपर बात करें तो दैट इज द एट्रीब्यूट। हम एक पर्टिकुलर चीज पे फीचर कर रहे हैं, विच इज मीन्स हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, दैट इज फीचर। देन मैगजीन जब हम मिक्स करते हैं, एक मान लीजिए जैसे आज हम करेंगे, हमने लेक्चर लिया, हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, बीच में डेमोन्स्ट्रेशन होगा, तो ये एक मिक्स्ड फॉर्मेट है, इसे कहते हैं मैगजीन फॉर्मेट। जरूरी नहीं है उसमें यही तीन चीजें मिक्स्ड हो, एक स्टोरी हो सकती है, हो सकता है बीच में एक जोक आ जाए, एक कविता पढ़ दी जाए, बीच में एक एक्ट आ जाए, तो वो सब भी मैगजीन फॉर्मेट का ही पार्ट है। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ द पीपल, जिसके अंदर हम इंटरव्यूज ही लेते हैं, पर आम जनता के, उनके ओपिनियन जानने के लिए। मान लीजिए कोई भी, अब हमारी एनईपी इंप्लीमेंट हुई, तो एनईपी के लिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से हम सबके पास ऑप्शन आई कि हम अपना इनपुट दें, हम अपना इनपुट दें, तो वो था वॉक्स पॉपुले। आप सबने एनसीएफ पे भी दिया होगा, हो सकता है एनपी पे दिया हो सकता है और किसी डॉक्यूमेंट पे दिया हो, तो ये जो था ये वॉइस ऑफ द पीपल थी कि लोग इस पॉलिसी से क्या चाहते। ऐसे ही पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी जब बनी थी, डीएसटी इस पे ऊपर काम कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, हमारे पास जब मैं सेमका में थी वहां ये काम आया था कि गो टू द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल मीन्स नॉट जस्ट सिटीज, गो टू द विलेजेस, उन लोगों से पूछो कि उन्हें इस पॉलिसी में क्या चाहिए, इवन दो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस पॉलिसी, बट दे कैन टेल व्हाट दे वांट एंड देन वी कैन कनेक्ट इट विद द पॉलिसी सो दैट वी कैन रीच आउट टू द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक। दिस इज द वॉइस ऑफ द पीपल, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन विच टॉपिक्स वी कैन एक्सप्लॉइट दिस एज अ मेथड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। अब हम आते हैं फाइनल अपने उसके ऊपर, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, हमने ये समझ लिया वीडियो क्या है, क्यों बनाना है, उसके क्या यूजेस हैं, कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बनाते हुए हम कौन सा फॉर्मेट चूज करें, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे बनाएंगे कैसे। तो कोई भी वीडियो बनाने के लिए आपके पास बेसिक एक रिकॉर्डिंग, रॉ रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, या फिर आपके पास क्लस्टर ऑफ इमेजेस, बहुत सारी ग्रुप ऑफ इमेजेस चाहिए, अगर वो आपके पास है तो कलेक्शन से भी आप एक वीडियो बना सकते हैं। तो अब जो आपने रो वीडियो बनाना है वो आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं, जैसे अभी मैं देख रही हूँ नॉर्दर्न रीजन मोस्टली हमारा यहाँ पे है, तो जो चीजें पंजाब में है, मान लीजिए जो भाखड़ा या नंगल के आसपास रहते हैं, तो वह उस डैम की एक एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं जो कि पूरे देश के बच्चों के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि भाखड़ा नंगल डैम के बारे में हम सभी पढ़ते हैं। सिमिलरली जो कश्मीर से या लद्दाख से लोग हैं, वो हो सकता है वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं और वो बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो दिल्ली में है वो यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कवर कर सकते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है कि हम क्या कंटेंट बनाएंगे, वो हमारे कोर्स पे डिपेंड करेगा, हमारे टॉपिक पे डिपेंड करेगा, हमारे बच्चों पे डिपेंड करेगा, पर हम उसकी रॉ रिकॉर्डिंग खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अब उसे करने के लिए आप मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं, मोबाइल में आजकल हाई क्वालिटी कैमराज हैं, या फिर अगर आपके पास वीडियो कैमरा है तो आप वीडियो कैमरा का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीन कास्टिंग, मतलब जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं तो स्क्रीन पे पैरेलली हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या स्क्रीन को मतलब जो मैं स्क्रीन पे प्ले कर रही हूँ, जैसे मैं अभी प्रेजेंटेशन रन कर रही हूँ, तो प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा स्क्रीन पे विजिबल होगा, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। या फिर जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पास अगर इमेजेस हैं या पावर पॉइंट है, ये सारी चीजें भी हम एज अ वीडियो यूज कर सकते हैं। सो दिस डिपेंड्स ऑन आर टॉपिक। अब हम सबसे पहले आप लोगों को, जब आप इस टूल पे काम करेंगे तो आपके पास एक रॉ वीडियो होना जरूरी है। अगर आपके पास अभी के लिए नहीं है तो कोई भी आप अपनी रफ, जो भी आपकी पर्सनल वीडियो है, आप उसको भी एडिट करके देख सकते हैं। हमें बेसिकली जो हम टूल्स सीखेंगे उस टूल के अंदर जो हम पॉइंट सीखेंगे उनको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना है, फिर आप उसको एजुकेशनल किसी भी वीडियो पे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओपन शॉट वीडियो एडिटर। आप लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे,
आप करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम यहाँ पे इस ट्रेनिंग के लिए ओपन शॉट वीडियो एडिटर को वो करते हैं, क्योंकि इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स मीन्स फ्री होना एक चीज है, ओपन होना मतलब कि ये ओपनली अवेलेबल है फॉर दी होल कम्युनिटी टू यूज एंड इवन इम्प्रूव इट। मतलब इसका जो बैकएंड है वो भी आपके पास अवेलेबल है सोर्स कोड के फॉर्म में, जिसे आप एडिट करके पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस तरह के टूल को प्रमोट करते हैं जहां पे किसी तरह की कोई बाउंडेशन हमारे ऊपर एज अ टीचर नहीं है। एंड मोर देन दैट, दिस इज अ वेरी सिंपल टूल, और जो बेसिक एडिटिंग हमें एज अ टीचर चाहिए वो इसके अंदर इजीली हम कर सकते हैं। बहुत टूल्स अवेलेबल हैं, प्रोफेशनल टूल्स भी हो सकते हैं, कुछ आप में से एक दो लोग हो जो प्रोफेशनल टूल्स पे काम कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड, वी अप्रिशिएट दैट फैक्ट, बट नॉट एवरीबडी हैज दैट यू नो अंडरस्टैंडिंग, कि या इतना आसान नहीं होता हम सबके लिए समझना उनकी निटिग्रिटीज को। तो ये जो टूल है ये बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ बेसिक ही फीचर्स हैं, बहुत डिटेल्ड नहीं है, फिर भी ऐसे काफी फीचर्स हैं जो आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करके लर्न कर सकते हैं और उनके थ्रू अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। पर बेसिक वीडियोस को रिफाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, जिसे हम अभी देखेंगे। नो इट इज नॉट, वीएन एडिटर इज ऑल्सो वेरी गुड, यस। इट इज नॉट अ मोबाइल ऐप, इट इज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आपको डाउनलोड करना है, एक बार इंटरनेट चाहिए, उसके बाद आपके कंप्यूटर पे डायरेक्ट रन करेगा। यू डोंट नीड टू इवन गो ऑन नेट अगेन एंड अगेन। जिस तरह से मैंने बताया, अभी सर ने किसी ने मेंशन किया कि एक मोबाइल ऐप है, बहुत सारे हैं, काइन मास्टर इज वेरी कॉमन, एक दो और भी मुझे ध्यान थे, अभी नहीं यार नाम याद आ रहे। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट इस ट्रेनिंग के लिए हम फोकस करेंगे इस ऐप पे। तो जो आपको लेटर ऑन असाइनमेंट भी मिले, और अगर आप बनाना चाहें ओपन शॉट पे, तो वो आप इसी ऐप से बनाएंगे तो बेहतर होगा। अब हम देखेंगे इसको डाउनलोड कैसे करना है। ये आपके सामने एक लिंक है openshot.org, इस पे जाके आप डाउनलोड करेंगे, वो भी मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। एक बार जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और रन इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जैसा अभी आपकी स्क्रीन पे है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, फिर हम डायरेक्टली डाउनलोड वाले प्रोसेस के ऊपर चलेंगे, जो कि फुल डेमोन्स्ट्रेशन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है जो, दिस इज अ बॉक्स फॉर प्रोजेक्ट फाइल्स। बेसिकली जब भी हम ऑडियो या वीडियो कुछ एडिट करते हैं, तो उसके अंदर हमारे सबसे पहले वो चीज हमारे पास या तो हमारे कंप्यूटर पे या पेन ड्राइव पे होनी चाहिए। वो जब आपने वहां डाली, उसके बाद हम उसको प्रोजेक्ट में कॉल करते हैं, मतलब यहाँ इस बॉक्स में ऐड करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट का एक पार्ट बन जाएगी। वंस इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, देन वी कैन स्टार्ट एडिटिंग। ये ट्रैक्स हैं, वहां से हम यहाँ ड्रैग करके लाते हैं वीडियो ऑडियो को। यहाँ पे मेन एडिटिंग होती है, इन ट्रैक्स के ऊपर मेन एडिटिंग होती है। 5 ट्रैक इन उससे आते हैं पहली बार खोलने पर, अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप ट्रैक ऐड भी कर सकते हैं। ये जो है ये मॉनिटर का काम करता है, ये हमारी स्क्रीन है, जो भी यहाँ पे हम ट्रैक प्ले करेंगे वो हम यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। तो इस तरह से हमारी एडिटिंग शुरू होगी। यहाँ पे ये कुछ छोटे से टूल्स हैं जो हमारे बेसिक एडिटिंग टूल्स हैं, उसके अलावा भी हमारे कुछ एडिटिंग टूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कैसे हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन डेमो की तरफ। मैं स्क्रीन को एक बार स्टॉप शेयर करके रीशेयर करती हूँ। आई होप आपको जो मैंने अभी तक बताया वो समझ आ रहा होगा। चैट बॉक्स में किसी ने ऑलरेडी हमें लिख दिया है कि क्या लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इसको तब तक डाउनलोड पे लगा सकते हैं। अब आप देखिएगा गूगल पे सिंपल, जब हम गूगल पे जाते हैं, ये गूगल का पेज खुला है, यहाँ पे मैंने ओपन शॉट वीडियो एडिटर ही लिखना है और कुछ नहीं करना। ओपन शॉट एक साथ है, ये आप देखेंगे पहला ही जो ऑप्शन है ओपन शॉट वीडियो एडिटर आया, हो सकता है आपका दूसरा तीसरा आए, वो आप एक बार देख ले। openshot.org, ये आपके सामने पूरा पेज अवेलेबल है, आप इसको स्क्रॉल करके देख लीजिए क्या क्या इसमें चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे डाउनलोड बटन है, जैसे ही आप डाउनलोड पे प्रेस करेंगे आपके पास ऑप्शंस आएंगी, मतलब कि
यहाँ पे डाउनलोड 64 बिट, अगर आपका कंप्यूटर विंडोज है, विंडोज 7, 8 या 10+ कोई भी विंडोज है, तो आप ये वाला डाउनलोड करेंगे जो यहाँ ब्लू बटन बना हुआ है 64 बिट के लिए। अगर आपको लगता है आपका कंप्यूटर काफी पुराना है, 32 बिट है, आप ये जानते हैं, तो ये 32 बिट वाला आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लाइनेक्स का सिस्टम है, जैसे उबुंटू है या फ्लो, एक और था फ्लो करके कुछ, वो है, तो आप लाइनेक्स को डाउनलोड करेंगे। क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्रोम वाला डाउनलोड करेंगे। आईओएस है तो आईओएस वाला डाउनलोड करेंगे। विंडोज हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ऐसे ही डेली बर्ड्स भी एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए आप वो वाला डाउनलोड करेंगे। तो आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये जो है आपके जहां भी आपने डाउनलोड किया है, जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्च करूं तो मैंने यहाँ पे ये देखिए मैंने डाउनलोड किया है। वंस आई सी दैट दिस हैज बीन डाउनलोडेड, आई हैव टू डबल क्लिक हियर एंड देन दिस विल आस्क मी टू रन द एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। मतलब डाउनलोड हो गया, पैकेट आ गया हमारे पास, अब हमें उस पैकेट को खोलना है और इस सिस्टम में प्रॉपरली इस्टेब्लिश करना है। तो अब यहाँ पे जो स्टेज है वो है, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपको ये ऐप जो है आपके कंप्यूटर में चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे यस, और उसके बाद आप उसको रन कर देंगे। जो जो वो चीजें बोलेगा अकॉर्डिंगली आपको यस करना है या नो करना है, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड इंस्टॉल इट। वंस यू कंप्लीट दिस प्रोसेस ऑफ डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन, देन यू विल लैंड ऑन टू समथिंग लाइक दिस। ये आपका आइकन ओपन शॉट वीडियो एडिटर, अगर आपने डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट रखा होगा तो नजर आने लगेगा। ये है ओपन शॉट वीडियो एडिटर, स्टिल डाउनलोडिंग। ठीक है, आप कोई बात नहीं, अभी आप मत परेशान होइए, आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नॉट विजिबल, क्या विजिबल नहीं है इकराम, इकरामुल हक सर, जेके से, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है? अभी आपको मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है, मैंने जहां पे दिखाया ओपन शॉट का आइकन। कैन समवन, यस, ओके आरती मैम, थैंक यू। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, ओके ठीक है इकराम सर, ग्रेट। ओपन शॉट वीडियो एडिटर का जो आइकन है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे हम कोई भी फाइल खोलते हैं डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके, आपको इसको ओपन करना है। ये मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया ये खुलना शुरू हो गया। इट विल टेक टाइम, जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं इनको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके दो रीजंस हैं। एक ये हैवी होते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोजेक्ट फाइल्स बनती हैं, दूसरा कई बार हमारे सिस्टम भी स्लो होता है, हमारा सिस्टम इन चीजों के लिए बना नहीं है, मतलब उसकी रैम उतनी ज्यादा कई बार नहीं होती है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके सिस्टम पे ये बहुत टाइम ले या बहुत जल्दी खुल जाए, तो डोंट वरी अबाउट दैट, इट इज वेरी नॉर्मल। अब हम चलते हैं, ये देखिए अब आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, जैसे ही ये खुला क्या सामने आया, जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी, ये 5 ट्रैक दिखा रहा है। अब मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा सकती हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये प्रोजेक्ट फाइल्स दिखा रहा है, ये एक प्रीव्यू विंडो है, आपको प्ले बटन से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखा भी है वीडियो प्रीव्यू। तो इस तरह से आपका बेसिक जो है यही इंटरफेस है। यस इकराम सर, यू आर राइट। तो अब हम जो है एडिटिंग का पार्ट शुरू करेंगे। तो मैंने जैसा कहा था कि आपके पास कोई एक रॉ वीडियो होनी चाहिए, आपको म्यूजिक अगर डालना है तो एक म्यूजिक फाइल होनी चाहिए, आपको अगर साउंड इफेक्ट्स डालने तो वो होने चाहिए, कोई इमेज ऐड करनी है तो वो होनी चाहिए, कोई टाइटल वाला पेज आपने बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं बाहर बनाना चाहते तो यहाँ भी हम बनाएंगे। तो अब यहाँ पे आप ये ग्रीन बटन देख रहे होंगे, प्लस बटन, दिस इज फॉर एडिंग फाइल्स। अगर यहां से नहीं तो हम फाइल पे जाके इम्पोर्ट फाइल्स भी कर सकते हैं, ये दोनों चीजें सेम है, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। इम्पोर्ट फाइल्स, मैं एक चीज इससे इम्पोर्ट करती हूँ, एक उससे करूंगी, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं यहां से ये ऑडियो ले रही हूं और मैं प्लस करके यहां से एक वीडियो लूंगी, क्योंकि मुझे एक बेसिक वीडियो चाहिए जिसको मैं एडिट करूंगी। ये मैंने एक वीडियो ले ली, अब मेरे पास दो चीजें मेरे सामने आ चुकी हैं। अब अगर मान लीजिए मैं कुछ इमेजेस भी लेना चाहती हूँ तो वो भी मैं ले लूंगी,
ये मैंने दो इमेजेस भी ले ली है। अब मेरे पास मेरा रॉ मटेरियल सारा रेडी है, अब मुझे फाइनली एडिटिंग स्टार्ट करनी है। तो हमें एडिट वीडियो को करना है, म्यूजिक हमें लास्ट में लगाना है, हम म्यूजिक पहले नहीं लगाएंगे, म्यूजिक क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट पे लगाएंगे, नहीं तो हम जहां कटिंग करेंगे म्यूजिक भी कट होगा या हिल जाएगा, तो वो सेटिंग हमें पहले करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम वीडियो को देखेंगे है क्या, उसमें हमें क्या करने की जरूरत है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने इस वीडियो को यहाँ लाया और Track 4 पे डाल दिया विद सम स्पेस। अब आप बोलेंगे ये स्पेस किस लिए है, वो भी हम देखेंगे, हमने Track 4 पे क्यों डाला वो भी हम समझेंगे, और ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे मेरी तरफ से। अब ये देखिए ये वीडियो है क्या, अब एक बार आप इसको देख लीजिए। आई होप यू कैन लिसन टू द ऑडियो ऑल्सो, इसका ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है। ओके ठीक है। और ये क्या है स्पेस फॉर, ओके कैप्शन टाइटल, यस वेरी गुड सो गुड। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट बच्चा कंडक्ट कर रहा है, मैंने भी डाउनलोड किया था, ये मैंने खुद नहीं क्रिएट किया है, एक रेफरेंस के लिए वीडियो डाउनलोड किया था। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके अंदर उसने अपने कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड बताए, हम मटेरियल रिक्वायर्ड के लिए उसके अंदर हम एफर्ट करके जो है हम उसको बेटर कर सकते हैं। और हम जैसे मान लीजिए यहाँ से हम एक बार स्टार्टिंग से प्ले करते हैं। अब जैसा इन्होंने पहला खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो हम एक तो चाहेंगे सबसे पहले ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो हमें इसका टाइटल देना चाहिए इनके इंट्रोडक्शन से पहले, तो हम वो टाइटल स्लाइड बनाएंगे। उसके अलावा हमें लग रहा है कि जैसे अब जैसे ये बोलेंगे मटेरियल्स, जैसे इन्होंने मटेरियल बोले, तो हम क्लैरिटी के लिए अलग से एक बकेट फिल्ड विद वाटर दिखा सकते हैं और एक एम्प्टी बॉटल दिखा सकते हैं। तो वो चीजें हम इसके अंदर एडिट करेंगे, जिसमें से हम कुछ पार्ट जो है हटाएंगे, कुछ को रखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी एडिटिंग होगी। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हमें ऑडियो भी हटाना है या नहीं। ऐसे ही डायरेक्ट कट करके कोई चीज हटाएंगे तो पूरा ऑडियो हट जाएगा, तो बी केयरफुल बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो यहाँ पे यहाँ उन्होंने बकेट का वो शुरू कर दिया है बताना कि क्या क्या चाहिए। आई हैव अ बकेट, तो अब मैं यहीं पे कट लगाना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो कट के लिए आप यहाँ पे जो मैंने टूल्स बताए थे आपको, यहाँ पे एक सीजर बनी हुई है जिसे कहते हैं रेजर टूल। इस सीजर को मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगी आप देखेंगे ये सिलेक्ट हो गई है। अब तो मैं जहां भी लाऊंगी मेरा कर्सर चेंज हो गया, अगर मैं इसे डी सिलेक्ट करती हूँ मेरा कर्सर कुछ और है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे प्लस कर्सर है, जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया मेरा कर्सर एक डॉटेड लाइन हो गया है। तो आई कम हियर, जहां पे मुझे कट करना है वहां पे मैं इसको एक सिंगल क्लिक करूंगी अपने माउस पैड पे, एंड यू कैन सी द कट हैज बीन मार्क्ड। अब जैसे ही मैंने ये कट किया मैं सीजर हटा दूंगी। अब अगर आप देखेंगे ये मैं हटाती हूं तो आपको कट दिख जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे हमें कहाँ तक ये कट चाहिए। सो टिल हियर आई हैव टू एड टू इमेजेस, सो नाउ आई एम गोइंग टू मार्क अनदर कट। आप इस कट को मार्क करने से पहले अपना पॉइंटर भी मार्क कर सकते हो, जैसे क्लैरिटी यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ये आप ये ड्रॉप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको अभी यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ड्रॉपलेट मार्क हो गई है। तो ये भी आपको हेल्प करती है फॉर मार्किंग योर पॉइंट्स।
अब मैंने सीजर सिलेक्ट किया, यहां आई, कट लगा दिया। ठीक है, अब एक तो ये हो गया तरीका हमने जो अभी अभी कट किया। अब मैं इसको डायरेक्ट उड़ा दूंगी तो ऑडियो भी चला जाएगा, पर मेरे को इसका ऑडियो रखना है। तो सबसे पहले तो आई विल जस्ट सिंपली गो बैक, अभी मैं ये कट्स नहीं लगाऊंगी। मैं इसको बोलती हूँ अपना नॉर्मल जो हम कंप्यूटर पे करते हैं, कंट्रोल जेड, हमने वही किया और हमने कोई कट अभी मार्क नहीं किया। तो सबसे पहले मुझे ऑडियो पूरा चाहिए, तो मैं ऑडियो को अलग करूंगी ताकि कट सिर्फ वीडियो पे लगे, ऑडियो पे ना लगे। पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब वीडियो पे कट लगेगा हम वीडियो को मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लिप सिंक जो है वो बोल रहा है और ऑडियो है वो में हिल जाएगी। तो हमें बहुत केयरफुली ये सारे काम करने हैं, ऐसे ही हमें कोई भी काम नहीं करना है। इसके लिए वो तरीका भी अच्छा था कि हमने एक छोटा पार्ट को ही ऑडियो को चेंज किया था, ताकि हमें पता रहे हमें ऑडियो कहाँ लगाना है। अदरवाइज हम पूरे का ऑडियो के साथ भी हम पहले चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने इस और जो ट्रैक के ऊपर जो ये वीडियो रखा है इसको मैंने राइट क्लिक किया। यहाँ पे एक बटन आता है सेपरेट ऑडियो, सिंगल क्लिप में मैं इसे अलग करूंगी। अब आप देखेंगे नीचे ये ऑडियो अलग से आ गया है, ये वीडियो था ये ऑडियो आ गया। अब हम वो पॉइंटर्स जो है मार्क करेंगे। यहाँ इन्होंने बोला, मैं अपना यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करके पॉइंटर मार्क करती हूँ। एंड और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट, यहीं पे हमने अपना दूसरा पॉइंट मार्क किया। अब हमारा मार्क है और मैंने एक सीजर को सिलेक्ट किया, कट लगाया। अब आप देखिए नीचे ऑडियो में कट नहीं लगा है, कट सिर्फ वीडियो में लगा है। सिमिलरली मैंने यहाँ कट लगाना है, तो मैं इसको ये इसी पॉइंटर पे लाऊंगी ताकि लाइन मेरे को पता चल जाए एग्जैक्टली। और मैंने यहाँ कट लगा दिया। अब मैंने ये सीजर हटाई, यहाँ पे आई और मैंने इसको हटा दिया। सिंपल डिलीट, जस्ट सिलेक्टेड दैट पोर्शन, क्लिक ऑन दैट पोर्शन एंड डिलीट। या फिर आप, मैंने अभी वो किया, आप राइट क्लिक करके रिमूव क्लिप भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ हमारे, हमने जो कट लगाया उससे क्या फर्क पड़ता है। Here occupy space. So, here I have a bucket full of water and one empty bottle. Oh, is it अब really? हमने देख लिया कि हमारी ऑडियो पूरी है। अभी किसी ने बोला कि और वीडियो ऑडियो अलग करने का प्रोसेस बताइए, तो जो हमने वीडियो को ट्रैक पे डाला है आपने उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, सेपरेट ऑडियो पे जाना है और सिंगल क्लिप में सेपरेट कर देना है ऑडियो को, क्योंकि इसके अंदर सिंगल ऑडियो फाइल ही है। तो आपने वो करना है और आपकी ऑडियो फाइल सेपरेट हो जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं, अब हमने चाहा है कि हम यहाँ पे दो इमेजेस लगाएं जिसके अंदर हम बॉटल और बकेट दोनों दिखाएं। तो मैं अब यहाँ पे, मैंने वो इमेजेस पहले से तैयार करके रखी थी, आप भी अपने रिसोर्सेस को पहले तैयार करके रखें बेस्ड ऑन OER। इसको मैं लाई, मैंने ऊपर रखी क्योंकि आप देख रहे हैं ये ज्यादा देर के लिए अपीयर हो रही है। मैं ऊपर नीचे लाऊंगी तो बहुत ज्यादा जगह ये ले लेगी। दूसरी फोटो थी ये बॉटल की, मैंने दोनों को साथ जोड़ दिया। अब आप देखिए कैसा लग रहा है, नहीं है कि बॉटल गलत जगह पे है या बॉटल वीडियो के ऊपर आ रही है। दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे ऑफ प्लेसिंग इट, सो नाउ वी विल एडिट इट। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा अलग करती हूँ और इसके ड्यूरेशन को थोड़ा सा मैं कम करूंगी। एंड इसके ड्यूरेशन को भी सिमिलरली मैं थोड़ा सा कम करूंगी, क्योंकि हमारे पास ऑडियो उतना ही है, तो हमें उसके अंदर जो है थोड़ी देर के लिए दोनों चीजों को रखना है। नाउ आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट हियर। अब आप देखेंगे मैंने उस वीडियो को वीडियो के ऊपर चढ़ाया, इमेज को वीडियो के ऊपर चढ़ाया, तो ये एक कुछ ब्लू बन के आया। तो अब आप देखिए इससे क्या हुआ।
हमने देखा कि बकेट जो है बोलने से पहले ही अपियर हो गई और एक ट्रांजिशन आ गई। तो ये बेसिकली एक ट्रांजिशन का इफेक्ट था जो हमें अभी नहीं चाहिए, या ले लेते हैं वो भी अच्छा लग रहा था, तो हम इसको वीडियो को थोड़ा सा हल्का सा एनहांस कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। एंड देन अब हम इसके अंदर हम लाएंगे अपनी बॉटल। मैंने बॉटल लाई, आप देख रहे हैं कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं आया क्योंकि वो बिल्कुल उस स्पेस के अंदर फिट आ गई। अगर वो ओवरलैप करती तो जरूर वो इफेक्ट यहाँ भी आ Full of जाता। water and अब आप देखेंगे हमें हमें लगता है कि अगर हमें यहाँ पे कोई इफेक्ट चाहिए हम खुद से भी वो ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे ट्रांजिशंस पे, मैंने ये उठाई और मैं यहाँ पे लेके आ गई। पर ये बहुत बड़ी है, इसको आपको छोटा करना पड़ेगा, काफी छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो अब आप देख रहे हैं ये पूरी वीडियो पे जा रही है। तो अब मैं इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करती हूँ। ओके, ये नहीं हो रही है अभी, तो मैं इसको रिमूव करूंगी। जो ये वाली वीडियो थी इसको सिलेक्ट करके, ये बहुत ही माइन्यूट काम होता है तो इसको बहुत पेशेंटली आपको करना पड़ेगा। एनीवे, तो मैं इसको यहां लगाती हूँ अभी के लिए, और मैंने वो जो खुद ट्रांजिशन लगाई थी वो मैं अगले वीडियो पे लगाती हूँ। यहाँ लगाने के बाद मैं उसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। एंड नाउ वी विल ट्राई टू सी द इफेक्ट। नाउ वी कैन सी हमने क्या किया और उसका क्या बेनिफिट हुआ। एक क्वेश्चन है कि हम ओवरलैप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वीडियो के ऊपर प्लेस कर दें या फिर ऊपर वाले ट्रैक पे रख दें, पर हमने वो करके देखा था तो हमारी जो अगर स्क्रीन साइज हमारा वीडियो और इमेज का अलग है तो वो हमारी दोनों चीजें मिसप्लेस तरीके से अपियर होंगी, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मेट को यूज किया। बहुत सारे तरीकों से हम इसको डील कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है। अब हमने ट्रांजिशन अप्लाई करना शुरू कर लिया अपने आप मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली, जब हम ओवरलैप करते हैं तो ट्रांजिशन प्लेस हो जाती है। हमने ये एडिट करने का पार्ट सीखा। एडिट करने का प्रोसेस क्या था, पॉइंटर मार्क करिए, सीजर पे जाइए, सिलेक्ट करिए और आके उसको मार्क कर दीजिए एंड देन डिलीट द पोर्शन व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये हमने बेसिक पार्ट सीखा। उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि मार्कर कैसे लगाना है और कुछ एडिटिंग एलिमेंट जो राइट क्लिक में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सेपरेट ऑडियो। इसके अलावा भी आप बहुत सारे देख सकते हैं, इन सबको भी आप एक्सप्लोर जरूर करें कि छोटा सा एनिमेशन बन जाएगा। वो सारी चीजें बहुत बेसिक सा, ऐसा कुछ हैवी नहीं है वो। या फिर हम और चीजें भी कुछ अभी करेंगे थोड़ी सी, तो आप वो भी साथ साथ देखते जाएंगे। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम देखना चाहते हैं, हमने कहा था कि हम इसके ऊपर एक टाइटल, कैन वी ज्वाइन मोर देन वन वीडियो। यस बिल्कुल बिल्कुल, आप दो वीडियो दो इमेज से सारी इमेजेस बहुत सारी वीडियो सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू शिफ्ट द कट पोर्शन, आपको सिंपली उसको पकड़ना है और ड्रैग कर देना है। जैसे मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये मैंने पकड़ा और ये मैंने इसको ड्रैग कर दिया, दैट्स इट। फुल स्क्रीन फॉर बॉटल ऑल्सो, हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने एक रेफरेंस के लिए एक इमेज ढूंढी। अगर हमारे पास फुल स्क्रीन है तो हम वो भी ले सकते हैं, हम खुद क्लिक करें रादर, क्योंकि ये तो ऐसा रिसोर्स है जो आप इजीली खुद भी बना सकते हैं। अभी हम आएंगे नम्रता मैम, तो अब हम आते हैं हमारे टाइटल स्लाइड पे कि हमने एक ओपनिंग का कुछ इमेज देनी है जो कि थोड़ा सा इसके बारे में बताए कि क्या वीडियो है। तो मैं जाती हूँ यहाँ पे अपने, जहाँ हमने फाइल देखा था वहीं पे आप देखेंगे मेन्यू में टाइटल है, टाइटल पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला जो टाइटल है वो हम चूज करेंगे। यहाँ आने के बाद अपने हिसाब से जो भी आपको टाइटल स्लाइड अच्छी लग रही है आप वो चूज कर लें। सिंपल ये ब्लैक चाहिए, क्लाउड चाहिए, ये बबल्स चाहिए, या रिबन चाहिए, या ये फायर चाहिए, कुछ भी जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगती है आप वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आके ये एक आपका फाइल नेम है और ये आपका टाइटल है, तो मैंने टाइटल दिया
साइंस एक्सपेरिमेंट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो ये आप अपने हिसाब से जो भी आपको टाइटल देना है आप अपना टाइटल बना सकते हैं। आप उसके अलावा एडिट करेंगे, कलर को करना है, मान लीजिए आपको टेक्स्ट को कलर को एडिट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से ये कलर सिलेक्ट किया, ओके किया, आप देखेंगे यहाँ पे कलर चेंज हो गया। इसी तरह बैकग्राउंड कलर और कोई एडवांस एडिटिंग आपको करनी है, फॉन्ट चेंज करना है, वो सारे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड आई से सेव। अब मैं यहाँ आई, आप यहाँ एक चीज नोटिस करिएगा, जहां मैंने प्रोजेक्ट फाइल्स रखी है, जब मैं प्रोजेक्ट फाइल पे रखती हूँ तो यहाँ पे शो ऑल वीडियो, तो सिर्फ वीडियो आएगा, ऑडियो ओनली ऑडियो, इमेज में सारी इमेजेस अपियर होंगी। मैं हमेशा शो ऑल ओपन करके रखती हूँ। आपके साथ ये हो सकता है कि मैम दिख नहीं रहे दिख नहीं रहे, आप देख लेना क्या ओपन है उस हिसाब से। उसके बाद इसी में ट्रांजिशंस है जो हमने अभी अभी ट्राई किया, ये हमारे इफेक्ट्स हैं, ये हमारे इमोजीज हैं। इन सबको आप यूज करना कोशिश कर सकते हैं खुद से। जो मैंने अभी टाइटल स्लाइड बनाई थी वो यहाँ बन के आ गई है, मैंने उसको यहाँ ला के इधर रख दिया। एंड आई कैन सी इट इज नॉट वेरी बिग, आई कैन सिंपली ड्रैग इट हियर। आप देखोगे एक और ट्रांजिशन अपने आप अप्लाई हो गई। अब आप देखिए कैसा लग रहा है देखने में ये। यहाँ पे हमारे पास कोई साउंड नहीं है, वो बच्चा नहीं बोल रहा, तो बड़ा ही ऐसा लग रहा है लंबी चीज है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम साइलेंट उसमें कम रहें, क्योंकि वो बड़ा बोरिंग हो जाता है, उसमें अटेंशन हमारी सडनली हमारा फोकस खत्म हो जाता है। संजीव जी क्या रिपीट करना है आपने कुछ? संजीव जी हिमाचल से इन्होंने पूछा है, अभी आ रहे हैं रेनू मैम, ये क्वेश्चंस मैं अभी आंसर करूंगी। तो हमने ये टाइटल ऐड कर लिया, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है म्यूजिक। क्योंकि अब मान लीजिए हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो गई, हम अभी और इसमें कुछ नहीं करना चाहते, या कुछ करना चाहते हैं अभी आप इसमें तो बताइए। ओके मैम, रेनू मैम का क्वेश्चन लेते हुए आपको मैं बताती हूँ कि मैं और क्या करना चाहती हूँ इसमें। ये एक वीडियो है, अब मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी तो इस बच्चे ने यहाँ पे आप देख रहे होगे इसने अपना नाम की जो स्लाइड है वो खुद ही बना के रखी हुई है, पर मैं इसको नीचे कैप्शन में नाम देना चाहती हूँ या फिर मैं लोगो देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। आप टाइटल में अगेन जाएंगे, सेम टाइटल वाली स्लाइड पे जाएंगे, आपको नाम देना है, तो हम लोग फुटर में नाम नॉर्मली नीचे नाम आता है हमारे, तो मैं फुटर में जाऊंगी, सेंटर वाला फुटर मैं सिलेक्ट करती हूँ। फुटर में क्या टेक्स्ट आना है आपको वो यहाँ पे ऐड करना है। उसका नाम था दिविज अग्रवाल शायद से, तो मैंने ये ले लिया। कलर आप चेंज कर सकते हैं जैसा कि हमने बोला था पहले भी, तो मैं यहाँ पे रेड ले लेती हूँ अभी के लिए। एंड माई नेम इज रेडी। अब मैं इसको यहाँ ड्रैग करके लाऊंगी और यहाँ प्लेस कर दूंगी। अब आप देखिए मैंने इसको ऊपर प्लेस किया है उसके, ठीक है। ये है ट्रैक 5 का काम। ट्रैक 5 पे वो चीज हम एम्प्टी रखते हैं, मतलब ट्रैक 4 या 5 का मतलब ये कि जो टॉप ट्रैक है हम उसको एम्प्टी रखते हैं फॉर द थिंग्स जो हमें ओवरले करनी है। मान लीजिए ओवरले दो चीजें करनी है, दो चीजें वीडियो के ऊपर दिखानी है, तो हमें दो ट्रैक ऊपर रखने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने ये द्विज अग्रवाल करके इसका नाम हमारा आने लग गया है और विजिबिलिटी भी इसकी यहाँ पे अभी के लिए ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब मान लीजिए आप कोई लोगो लगाना चाहते हो किसी भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी चीज का, तो अब मैं लोगो तो स्टार्टिंग से ही लगाऊंगी, तो अब स्टार्टिंग में तो स्पेस नहीं है, तो मैं एक ट्रैक ऐड करती हूँ यहाँ से, विच इज ट्रैक 6। अब मैं यहाँ पे लोगो लगाऊंगी, कहाँ से लगाना है वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। यहाँ मान लीजिए मैंने इसी इमेज को लोगो समझ लिया फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, एंड आई वॉन्ट दिस टू अपियर ऑन द होल वीडियो। ये हो गया। अब आपको आप देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ जिससे कि ये लोगो वाला काम बनेगा मेरा। मैंने इसी को लोगो की तरह बना दिया है। अब मैं इसको ड्रैग करके जहां मुझे लोगों को रखना है वहां ले जाऊंगी।
एग्जाम्पल दिस इज माई लोगो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट मेरे वीडियो पे इससे पड़ा। ये आपने देख लिया, यहाँ पे ये लोगो की तरह अपीयर हो रहा है। तो जो भी आपका लोगो है, अगर आपके पास लोगो की फॉर्म में है, जैसी भी फॉर्म में आप लाएंगे, उसको इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबटाइटल्स के लिए वही है जैसे हमने नाम ऐड किया शिव प्रकाश जी, अभी अभी टाइटल में जाके वहीं पे आपको सबटाइटल के लिए कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कीप क्रिएटिंग टाइटल्स। तो आप फाइल नेम बनाते जाइए 1 2 3, एंड उसको अपनी पोजीशन के हिसाब से जहां डायलॉग है वैसे फिक्स करते जाएंगे, तो सबटाइटल्स की वो देगा आपको इफेक्ट। बैकग्राउंड किस चीज का, टाइटल को वापस एडिट नहीं कर पाएंगे, आप रिक्रिएट कर लें आप उसी चीज को दोबारा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले जिसके अंदर था कि फेड म्यूजिक फेड का हमें कुछ बताइए। तो अब हमारा ऑलमोस्ट वीडियो रेडी है। अब आप देखेंगे नीचे अभी भी 2 ट्रैक मेरे पास खाली है, मैंने 3 4 5 पे काम किया, तो मैं 2 पे अब मैं म्यूजिक फाइल लाऊंगी। मैंने यहाँ म्यूजिक ऑलरेडी रखा हुआ है अपने पास, म्यूजिक को मैं नीचे ड्रैग करती हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी फाइल है, हम सुन लेते हैं हमें कौन सी ऑप्शन चाहिए। या अभी हम सिलेक्शन में नहीं जाएंगे, मैं सिंपली इसको कट करके छोटा कर दूंगी। उसके लिए मैं कर्सर को यहां ला सकती हूँ, या 2 3 तरीकों से ऐड निकाल सकती हूँ एज आई विश। मैंने यहाँ पे सीजर लिया, यहाँ पे मार्क कर दिया, थोड़ा सा आगे करके कर रही हूं मैं, और इसको मैंने उड़ा दिया। ये मेरा म्यूजिक रेडी है। अब हम, आपने बोला कि हमें इसको फेड आउट कैसे करना है या वो सब कैसे करना है। इनिशियली क्योंकि कोई साउंड नहीं है तो हाई म्यूजिक जाने दे सकते हैं, यहां से हमें म्यूजिक को लो करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम इसे कट लगा करके यहाँ पे वो कर सकते हैं सेपरेट, कि एक हमारा हाई पोर्शन है एक लो पोर्शन है। उसके बाद हम वॉल्यूम पे जाएंगे, ये हमारे पास स्टार्ट ऑफ द क्लिप से आपको फेड इन करना है, या फिर एंड ऑफ द क्लिप पे फेड आउट करना है, या एंटायर क्लिप पे आपको लेवल को चेंज करना है, वो आपके ऊपर डिसीजन अवेलेबल है। तो मैं मान लीजिए फास्ट फेड इन करती हूँ स्टार्ट से। अब हम देखते हैं कि कोई डिफरेंस आया, कि फास्टली इसने स्टार्ट कर दिया। अब मैं ओवरऑल इस म्यूजिक को लो करना चाहती हूँ, तो यहीं पे आऊंगी, एंटायर क्लिप की बात करूंगी, और मैं लेवल को सीधा ही 10% कर दूंगी, कि मुझे बहुत लो म्यूजिक चाहिए, मैं बच्चे की आवाज सुनना चाहती हूँ। तो ऑडियो इसकी कम हो गई है। अब हम प्ले, थोड़ी सी ऑडियो में हम इसकी कमी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत ज्यादा ऑडियो में एडिटिंग करनी है, बहुत तरह से, जैसे हम कह रहे कि हमें एक पॉइंट पे फेड इन करना है, एक पॉइंट पे फेड आउट करना है, तो हम अपने म्यूजिक पार्ट को, फाइल को फिक्स करके ऑडेसिटी में जो हमने सीखा, वहां पे हमारे पास एक एनवेलप टूल होता है, एनवेलप टूल को यूज करके हम एग्जैक्ट फेड इन फेड आउट भी लगा के ऑडियो फाइल को यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक बेसिक एडिटिंग एक वीडियो की। अब हम देखेंगे इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका। क्रोमा पे मैं अभी आऊंगी, डोंट वरी। यहां मैं इसलिए रुक रही हूं क्योंकि एक फाइल को मैं बहुत हैवी नहीं करना चाहती हूँ, आपके सामने ही उसको सेव करके दिखाना है, तो हमारे पास ड्यूरेशन कम है। पर जब आप अपने लिए करेंगे तो आप थोड़ी बड़ी फाइल बना सकते हैं, बिकॉज देन यू विल हैव टाइम टू सेव इट। अब मैं सबसे पहले, हमें जब भी हम ओपन शॉट में काम करें या किसी भी प्रोजेक्ट में काम करें, तो आपने देखा होगा कि हमें पहले प्रोजेक्ट को सेव करना है, ना कि हमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट निकालना है। तो हम उसके लिए पहले यहाँ पे आते हैं, फाइल में गए, यहां से सेव प्रोजेक्ट या सेव प्रोजेक्ट एज, जो भी आप दोनों में से करना चाहें। अगर आपने प्रोजेक्ट का नाम ऑलरेडी रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप
सेव प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कोई भी एक SRG वन कर देती हूँ और सेव कर देती हूँ। ठीक है, अभी हमने सेव कर दिया। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ भी सेव प्रोजेक्ट का बटन है। अब ये सेव्ड का ही ऑप्शन दिखा रहा है। अब ये देखिए आप यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट मींस ये ऑलरेडी सेव्ड है। अगर मैं एज करती हूँ तो दोबारा एक ऑप्शन देगा कि नए नाम से सेव करूँ। इस नाम से ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेव्ड है जब तक कि मैं इसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करती। अब फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूजिक को लेके यहाँ पे एक कट लगाती हूं, यहाँ पे इसको कट को रिमूव करती हूँ। इसके अंदर मैं कुछ और वो करना चाहती हूँ, या रादर कट लगाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल जेड करके मैं आपको फेड आउट वाला फीचर लगाती हूँ। फेड आउट स्लो एंड आई हैव अप्लाइड वन मोर थिंग टू माई वीडियो। अब हम देखते हैं फेड आउट वाला कैसे काम कर रहा है। Experiment has clearly proved that air occupies space. Is it an interesting? You can do it also at your home using any bucket and any bottle. So in just 5 minutes. देखिए अब स्लोली म्यूजिक जो है वो फेड आउट हो गया। तो हमने ये किया। अब आप देखोगे सेव फिर से ऑप्शन हो गया ओपन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेव प्रोजेक्ट, इट इज नाउ सेव्ड। तो सबसे पहले आपको एज अ प्रोजेक्ट सेव करना है, उसके बाद आपको जाकर के एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट वीडियो में जाएंगे। यहाँ पे हम एक ऐसी फाइल बनाएंगे जो शेयरेबल है। जो हमने सेव किया प्रोजेक्ट वो शेयरेबल नहीं है, क्योंकि वो आपके किसी और डिवाइस पे नहीं खुलेगा जब तक कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं होगा। अब जो हम करेंगे, जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हम MP4 एक्सपोर्ट करते हैं, जो आपके फोन पे भी चलेगी, आप ईमेल से भी सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो, हर जगह वो खुलेगी, आपके टीवी पे भी चलेगी, तो उस तरह की वो फाइल होगी। अब यहाँ आके हमने ये देखा हमें कौन से फॉर्मेट में सेव करनी है, DVD, डिवाइस, वेब, ब्लूरे। सो फोकस ऑन ऑल फॉर्मेट, क्योंकि हम उसको बांधे नहीं। यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हैं क्या आपको सेव करना है। आप ट्राई करिए कौन से वाले से आपकी बेटर क्वालिटी आती है, आप वो चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे MP4 MPEG-4 ले रही हूँ। क्वालिटी आप हाई, मीडियम, लो जो भी रखना चाहते हैं। अभी के लिए मैं हाई रख रही हूँ क्योंकि छोटी सी वीडियो है तो एक्सपोर्ट भी जल्दी हो जाएगी। अगर ये बहुत लंबी वीडियो होगी तो एक्सपोर्ट होने में काफी टाइम लगेगा। अभी भी आप देख रहे हो कि 6% ही केवल हुई है। सो इट टेक्स टाइम, डोंट वरी। हाई लो का ये है कि अगर आपने छोटे डिवाइस जैसे कि फोन पे प्ले करनी है तो आप लो क्वालिटी बना सकते हो, लैपटॉप टाइप करनी है तो आप मीडियम क्वालिटी बना सकते हो, और अगर आपने एक अच्छी बड़ी स्क्रीन पे करनी है, टीवी पे देखनी है, तो आप उसको हाई क्वालिटी रखिए। दूसरा है कि थोड़ा सा रेंडर या जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो वैसे भी मैटर करेगी, कि कोई किसी तरह का फंबल कम आएंगे हाई क्वालिटी में। अगर आप लो या मीडियम करते हो तो उसमें थोड़े से जर्क्स आ सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन योर रैम ऑल्सो, आपके सिस्टम की उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, तो अभी ये सेव हो रहा है, मैं इसको कुछ नहीं कर रही हूँ। एक प्रोजेक्ट मैं और खोल लेती हूँ पैरेलली, जो कि शायद यहाँ पे Test 1 खुला हुआ, इसको मैं बंद करती हूँ पहले। अब मैं बाय द टाइम दिस इज हैपनिंग मैं एक और खोल रही हूँ। प्लीज रिपीट अपलोडिंग प्रोसेस। अपलोडिंग तो मैंने सर बताया ही नहीं है। यहाँ पे है सेव करने का प्रोसेस, हमने अभी डिस्कस किया। मतलब कि पहले हमें प्रोजेक्ट को सेव करना है, ताकि हम अगर अब जैसे मैंने प्रोजेक्ट सेव किया तो मैं दोबारा एडिट करना चाहूँ, वीडियो देखने के बाद की कुछ कमी है तो मैं दोबारा एडिट कर सकती हूँ। और दूसरा है एक्सपोर्ट द फाइल टू अ वीडियो फाइल विच इज अ प्लेएबल फाइल ऑन एनी डिवाइस, वो है एक्सपोर्ट करके। वो फाइल में ही आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगी, वहां पे आप कर सकते हैं। ओपन शॉट फाइल्स आर हैवी, हाउ टू कंप्रेस देम। मैम वो तो डिपेंड करता है आपने कितना डेटा उसमें डाला है, वो है। दूसरा, अगर कंप्रेस करना है तो आप ऑनलाइन बहुत सारे मैकेनिज्म है MP4 को कंप्रेस करने के, आप वो यूज कर सकते हो। Thank you.
अभी यहाँ पे वो नहीं हो रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहती। फाइल के अंदर ही सेव प्रोजेक्ट और एक्सपोर्ट की ऑप्शन होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बाय द टाइम दिस इज हैपनिंग, मैं एक नया प्रोजेक्ट खोलना चाह रही हूँ। दो मिनट वेट ही कर लेते हैं, हो गया ऑलमोस्ट। सो नाउ इट इज डन। अब हम देखते हैं कि हमने क्या बनाया है। मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ। सबसे पहले आप देखोगे हमने SRG करके एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये उसकी एसेट्स फाइल है, मतलब प्रोजेक्ट फाइल्स है। ये हमारी फोल्डर के साथ ही होंगी तभी हमारा प्रोजेक्ट खुलेगा। ये हमारा जो आया है SRG करके, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये SRG1 करके जो आपके सामने आ रहा है, इसको अगर मैं खोलूंगी तो वही प्रोजेक्ट खुलेगा, ओपन शॉट प्रोजेक्ट जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है, जिसपे आप रीएडिट कर सकते हैं। ये SRG1 जो है ये एक MP4 है। अगर आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके तो इट विल बी शोन एज एन MP4 फाइल। ठीक है, तो अभी मैं इसको ओपन करके हम देखते हैं हमने क्या बनाया और वो कैसा बन के आया। अभी ये ठीक से एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये जो लोगों की तरह बनाया था ये भी सारे अपियर हो रहा है, और स्टार्टिंग में टाइटल स्लाइड भी। अभी हम देखेंगे हमारी एडिटिंग का ये पार्ट। बॉटल आ गई, बकेट आ गई, और हमने ये भी देखा कि म्यूजिक भी पीछे प्ले हो रहा है। दिस वे वी कैन सी कि हमारा जो एडिटिंग के मोस्टली एलिमेंट्स है वो हम आराम से देख पा रहे हैं और वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब हम जो करेंगे, अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इसको रिमूव करके। मैं इसको कैंसिल कर रही हूं अभी क्योंकि मैं सेव कर चुकी हूँ। अब मैं एक और नया ओपन शॉट वीडियो एडिटर प्रोजेक्ट खोल रही हूँ, जिसके अंदर हम आपने जो दो तीन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है उसको मैं आंसर करूंगी अभी। नो, ट्रैक्स आर नॉट फिक्स्ड फॉर एनी दिस थिंग, बट ओनली थिंग इज दैट लोअर ट्रैक्स वी कीप फॉर ऑडियो, अपर ट्रैक्स आर फॉर द वीडियो। तो जो भी मोस्ट अपर ट्रैक में होगा वो वीडियो विजिबल होगा। तो एक तो ओवरले हम कर रहे हैं वो हम टॉप ट्रैक में रखें, बीच में हम वीडियो रख रहे हैं जो मेन हमारा वीडियो प्ले हो रहा है या इमेजेस, और नीचे के ट्रैक्स में हम ऑडियो म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स जो भी हम रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। सो नाउ एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने खुल गया है। अब हम एक बड़ा ही नया इनोवेटिव सी चीज देखने वाले हैं कि वो कैसे काम करती है। तो उसके लिए मेरे को चाहिए एक फोटो, एक बैकग्राउंड। क्रोमा के लिए, जो क्रोमा है वो नॉर्मली जो है हम देखते हैं वो शूट होता है एक ग्रीन क्लॉथ के अगेंस्ट, ग्रीन बैकग्राउंड के अगेंस्ट। आजकल पहले ब्लू बैकग्राउंड पे होता था, जब तक मैंने मीडिया में काम किया तभी तभी ये ग्रीन पे शिफ्ट हुआ था। उसका रीजन था कि ब्लू हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एलिमेंट है, तो जैसे ही हम क्रोमा करते हैं तो वो ब्लू एलिमेंट, अगर हमारी आईज के वाइट पार्ट में ब्लू है तो आईज जो है वो आउट हो जाएंगी, निकल जाएंगी, नहीं दिखेंगी। तो ये एडिटिंग प्रॉब्लम्स थी। बाद में जब ग्रीन हमारी बॉडी में मिनिमम ग्रीन है इसीलिए हम आराम से ग्रीन यूज कर सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना है अगर हम ग्रीन क्रोमा यूज करें या ब्लू क्रोमा यूज कर रहे हैं उस केस में हम उस रंग के कपड़े या उस रंग का कोई भी चीज कैरी ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने नेल पेंट जो लगाया था यहाँ पे, आप देख पाएंगे ये ग्रीन है, तो अगर मैं इस नेल पेंट के साथ प्रेजेंट करती हूँ ऐसे तो कुछ नहीं होगा, नेल्स हैं बहुत दूर हैं दिखेंगे नहीं, पर जैसे ही मैंने इस तरह से कुछ किया तो वो जो है मेरे नेल्स को ब्लैकआउट कर देगा, जो भी बैकग्राउंड मैंने दिया है वही नजर आएगा मेरे नेल्स की जगह, तो बहुत स्कैरी भी हो जाता है और वो वीडियो क्वालिटी भी हमारी खराब हो जाती है। तो नॉर्मली जो क्रोमा है वो हमारा ग्रीन बैकग्राउंड के साथ ही हम करते हैं।
अब मैं ले रही हूँ, एक तो बैकग्राउंड मैंने लिया है और एक वीडियो लिया है मैंने, जिसको मैं फ्रंट फोरग्राउंड पे रखना चाहती हूँ। जो हमारा क्रोमा में वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसके पीछे बैकग्राउंड, जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, बैकग्राउंड में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली क्रोमा हमारा काम करता है कि लैब सेटिंग्स में हम एक्सपेरिमेंट करें, हम लैब सेटिंग्स में खड़े हो जाएं, तो वो वाली चीजें हमारा क्रोमा हेल्प कर सकता है। अब हमें हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि जो चीज हमें चाहिए है ऊपर दिखे, मतलब टॉप पे दिखे, वो हम ऊपर रखेंगे, और जो ओवरले होगी, मतलब जो ओवरले है वो हम ऊपर रखें, और जो ओवरले नहीं है वो हम नीचे रखें। तो सबसे पहले तो हम इसको नीचे लेके आएंगे, अभी दोनों को ये देखते हैं है क्या। हमने दोनों को भी एक ही ट्रैक में रखा है, जस्ट टू सी। दिस इज अ सिंपल इमेज, स्टैटिक इमेज, ये हमारा मूवमेंट है, ठीक है। तो ये क्योंकि बैकग्राउंड है ये वाला, तो हम इसे बैक में ही रखेंगे, तो इसको हम नीचे ले आते हैं इनके। पर अभी क्या होगा, अगर मैं इनके नीचे रखती हूँ इस तरह से, तो मेरा बैकग्राउंड नजर ही नहीं आ रहा। अब मुझे बैकग्राउंड पे इसको ओवरले करना है इस पर्सन को, और ये ग्रीन को हटाना है। दिस इज कॉल्ड द क्रोमा इफेक्ट। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, हमने प्रोजेक्ट फाइल्स पे काम कर लिया, ट्रांजिशंस हमने देख लिया, अब हम इफेक्ट्स पे जाएंगे। इफेक्ट्स पे हमारे पास क्रोमा की इफेक्ट होता है, हम उसको ड्रैग करके ड्रैकुला वाले वीडियो पे रखेंगे, पर कुछ नहीं होगा उसके बाद भी। ये क्या, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ उसको इफेक्ट बताया है कि ये लगाना है, पर क्या करना है, कैसे करना है, वो हमने उसको कोई कमांड नहीं दी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस सी के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, अपना कर्सर ले जाके आपको प्रॉपर्टीज दिख रही है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी क्रोमा, ये देखिए क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन, इसकी प्रॉपर्टीज खुल गई है, ठीक है। अब यहाँ आपको एक्चुअल प्ले करना है, पर उससे भी पहले अपने कर्सर को हमेशा जहां पे आपको क्रोमा करना है वहां रखें। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने यहाँ रख लिया। यहाँ पे सबसे पहले हम की कलर चूज करेंगे, जिस कलर को हमें की करना है, मतलब हटाना है। तो अब मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगी, की कलर के सामने ब्लैक है, उसके ऊपर मैंने ये जो की कलर वर्ड है इसके सामने ब्लैक है, यहाँ मैंने डबल क्लिक किया तो ये बॉक्स अपीयर हुआ। अब मैं यहाँ से ग्रीन भी चूज कर सकती हूँ, डिपेंड्स कि मैं क्या करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं पिक स्क्रीन कलर करूंगी जब मेरे पास एक स्टैटिक कलर है। अभी मेरे पास स्टैटिक है, मैंने बोला पिक स्क्रीन कलर, इसने मुझे बोला लो जाओ करो, तो मैंने यहाँ पे आई अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया सिंगल, उसने कलर को ओके कर दिया, सिलेक्ट कर लिया, मैंने ओके किया। आपने देखा पर्सन के पीछे से सारा बैकग्राउंड ग्रीन हट गया और वो मेरे बैकग्राउंड के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, बट उसमें भी हमारी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अभी ठीक नहीं है, उसके आसपास एजेस पे बहुत ज्यादा ग्रीन है जिसका शेड शायद उस ग्रीन से अलग है। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, एक कि हम दोबारा से यहां से क्रोमा को लाके यहाँ बिठाएं, मैं करके दिखाती हूँ, वो भी जितनी बार भी आप चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ मैंने लाया, इस पर क्लिक किया, अगेन की कलर पे गई, उसको सिलेक्ट किया, पिक स्क्रीन कलर किया, और मैं यहाँ आके एक स्क्रीन कलर सिलेक्ट करने लग गई, मतलब सही होना चाहिए नहीं तो कुछ और ही हटा देगा वो ग्रीन। ओके, मैंने कहा ओके, अब इसने थोड़ा सा कहीं कहीं से हटाया, बहुत नहीं हटा पाया अभी भी। तो अब हम क्या करें, इतना एजेस पे तो हम हमारे लिए हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड है और एक ये हेलो है, इन प्रॉपर्टीज को जब हम चेंज करेंगे तो हमारा कलर ठीक होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए मैं अभी आपको यहाँ पे 5 था, मैं 50 करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा बेटर हो गया है। अब मैं अगेन इसको 100 करती हूँ और इनहांस हो गया, तो मतलब मैं सही जा रही हूँ, ये नंबर मुझे खुद ही प्ले करना है, सॉरी, और मैंने 250 किया तो ये बिल्कुल हट गया, एंड वी आर गुड टू गो, हमारा बिल्कुल कैरेक्टर क्लीन हो गया। अब हम क्या करें, अब एक प्रॉब्लम और है इसके अंदर, वो प्रॉब्लम क्या है कि कैरेक्टर सरफेस पे तो खड़ा ही नहीं है, बड़ा अजीब लग रहा है, अगर आप देखोगे स्पेस इसके बीच में बहुत ज्यादा है। तो ए, मैं सिंपली अगर इसका साइज परफेक्ट है, आपको लगता है कि एज अ ह्यूमन इस स्टेज के लिए साइज परफेक्ट है, तो आई कैन सिंपली ड्रैग हिम, सॉरी मैंने बैकग्राउंड को ड्रैग कर दिया, अब मैं इस पर्सन को ड्रैग करना चाहती हूँ।
और मैंने इसको ड्रैग किया और अपनी पोजीशन के हिसाब से इसको खड़ा कर दिया। अगर अभी भी मुझे लग रहा है ये पर्सन थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं यहां से जैसे हमने लोगों के लिए छोटा किया था, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, एंड वी कैन पोजिशन अकॉर्डिंगली, एंड दैट इज द थिंग विच इज रेडी टू बी व्यूड। अब हम देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। नाउ यू कैन सी इट हियर। सो माई क्रोमा इज रेडी। ये एक मैजिशियन है और इसके पर्दे पे ये मैजिक कर रहा है। अब सिमिलर इसके अंदर आप बाकी चीजें भी कर सकते हो, म्यूजिक ऐड करना, बाकी सारे एस्पेक्ट्स को करना, वो सब चीजें आपके पास ओपन है। हाउ टू कीप द टेक्स्ट मूविंग। कहाँ टेक्स्ट, अभी तो हमने सर कोई टेक्स्ट नहीं डाला है। ये था जो आपने बोला क्रोमा इफेक्ट। तो हमने ये बेसिक्स कुछ कुछ सीख लिए हैं। इसके अलावा जो मैं आपको एज अ टास्क बोलूंगी, आप जरूर ट्राई करें। अब सबसे पहले हमने ये देखा था ये मैग्नेट था, इसका क्या यूज है। मैग्नेट का यूज एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है, वो अप्लाइड ही रहता है। अगर आप देखेंगे तो ये मोस्टली सिलेक्टेड रहता है। मान लीजिए मैं ये बैकग्राउंड नीचे लाती हूँ और जब मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगी तो एक ब्लू लाइन आ जाती है इसको जोड़ने के लिए, ताकि दोनों में कोई गैप ना रहे अमंग्स द टू रिसोर्सेज, चाहे वो वीडियो हो या इमेजेस हो। क्योंकि अगर हल्का सा भी गैप रहेगा, मैनुअली आप करेंगे तो वो ब्लैक ब्लैंक आएगा। सो उसके लिए ये मैग्नेट होता है, प्लस ट्रैक ऐड करने के लिए है, ड्रॉप मार्कर है, ये हमें की पॉइंट्स अगर हमने कोई मार्क किए हैं तो उसके लिए है, और ये सेंटर ऑफ द टाइमलाइन में। इसका हमारे लिए अभी एज सच वो नहीं है। बाकी चीजें जरूर है कि आप इनको जरूर प्ले करें, फेड, एनिमेट, रोटेट। रोटेट हम ये सभी फीचर्स हम आप लोग करते आ रहे हैं इन डिफरेंट थिंग्स, इमेजेस के साथ आप प्ले करते हैं, वर्ड में भी वही है, बट आप इसमें भी जरूर इसको एक बार ट्राई करें। सेव करने का अगेन वही तरीका है कि पहले एज अ प्रोजेक्ट सेव करो, सेव प्रोजेक्ट, गिव इट अ नेम, एंड देन एक्सपोर्ट वीडियो। जो भी आप जैसे भी आपको मतलब जो भी जब आपका वीडियो रेडी हो जाए तो MP4 में आप उस वीडियो को रेडी करें, ताकि वो शेयरेबल एक फॉर्मेट में आ जाए। कैन वी मेक वेक्टर्स मूवमेंट्स। कैन यू जस्ट क्लैरिफाई द क्वेश्चन अ लिटिल मोर। अभी के लिए मेरा जो था कंटेंट, वो मैंने अभी आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, हम 10 मिनट के लिए वो ले सकते हैं, सो दैट जितना हमने किया है वो आप आराम से कर पाए। अगर आपके पास 5 मिनट है, आप कोई एक चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, करके देखना चाहते हैं, तो वो भी आप प्लीज कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए, या कोई क्लैरिटी आपको नहीं हुई है। मोनिका मैम, क्या नाम, हाँ जी, जैसे ना कोई वेक्टर मैंने ऐड किया है और मैं चाहती हूँ उसकी लिपसिंग थोड़ा शो करना या वॉक करवाना उसे, ऐसा कुछ है इसमें नहीं, एनिमेशन में? इसमें ना बहुत बेसिक एनिमेशन है, उस तरह की एनिमेशन इसमें आपको नहीं मिलेगी। बहुत ओके, बेसिक मूवमेंट एनिमेशन हो सकती है उस वीडियो में या कुछ थोड़ा बहुत, अपीयर हो पर रहा है, बहुत डिसअपीयर नहीं। हो रहा है, जस्ट लाइक दिस हाँ हाँ उतना ये ही है हो इसमें रहा है। बेसिक। हाँ हाँ, ओके मैम, वो नहीं होगा जो आप कह रहे हैं। सारिका ओके। जी, आप बोलिए। हेलो, कुड कैन यू हियर मी? यस मैम, ओके, गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली आई पुट दैट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स आल्सो, बट आई गेस आई डिड अपीयर। मैंने पूछा था, जैसे कई बार हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर हम बाहर फील्ड में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देयर माइट बी सम बैकड्रॉप्स नॉइजेस, है ना, जो उसमें साथ ही रिकॉर्ड हो जाती है, अगर कभी कर रहे हो या कुछ साथ बिल्कुल में रूम में, मान लो बच्चों को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो उनको क्या हम इस ओपन शॉट एडिटर के अंदर वो जो पीछे जो चाहिए वो, तो वी वांट टू रिटेन दैट साउंड, बट द वन विच हैज कम जस्ट बाय इटसेल्फ की वो नॉइज है बेसिकली, कैन दैट बी रिमूव्ड? एक्चुअली मैम, ये जो है ये वीडियो एडिटिंग का डिटेल्ड टूल है, इसमें बहुत ऑडियो की फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको नॉइस का काम करना है या उस तरह का कोई साउंड उसके अंदर रिवर्ब वगैरह देना है, तो वो आप ऑडेसिटी में कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर आपने सुबह सीखा होगा। उसमें आपको नॉइस रिडक्शन, सबसे पहले आपको नॉइस प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। मतलब जब भी आप रिकॉर्डिंग करें ऑडियो की या वीडियो की, तो आप उसमें एक स्पेस रखें,
मतलब जहां पे सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस रिकॉर्ड हो रही है, जैसे 5 सेकंड आप स्टार्ट करने से पहले वहां आसपास का रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जैसे पंखे की आवाज आ रही है, घड़ी की आवाज आ रही है, या कोई भी पत्तों की आवाज आ रही है, जो भी है, आप उसका एक नॉइस का प्रोफाइल रिकॉर्ड होने दीजिए। फिर उस प्रोफाइल को जब हम उसे सबमिट करते हैं ऑडेसिटी में, तो वो सारी बैकग्राउंड नॉइस को जो सिमिलर प्रोफाइल के, वो उसे हटा देता है। रिवर्ब लगाना है तो रिवर्ब कर देता है, मतलब जो जैसे हम पहाड़ों में बोलते हैं ना, तो वो रिपीट होती है, वो रिवर्ब भी कर देता है। तो वो फीचर आपको वहां से करके ऑडियो फाइल को आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेपरेट ऑडियो करके उस ऑडियो को हटा दीजिए, और जो मॉडिफाइड ऑडियो फाइल आप ऑडेसिटी में मॉडिफाई करेंगे वो आप यहाँ ला सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एनिमेशन इसके ऊपर सर, बहुत बेसिक एनिमेशन अभी हमने बताया था, इसमें बहुत डिटेल में एनिमेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो एडिटिंग टूल है, बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत कॉम्प्लेक्स इसमें कोई भी फीचर नहीं है। अगर आपको एनिमेशन करनी है या कुछ उस तरह से, तो वो आप अब वो उसके लिए उसमें एक ऐप है ब्लेंडर, जैसे ये ओपन शॉट वीडियो एडिटर है, ब्लेंडर जो है एनिमेशन की ऐप है ओपन सोर्स, जैसे ओपन शॉट है बिल्कुल वो भी ओपन सोर्स है। आप उस ऐप में जाएं, वहां पे अपना एनिमेशन जो भी आपने बना के लाने, वो इसके साथ वो हो जाती है, मर्ज हो जाती है, वो आप करके लाएं, तब आप एनिमेटेड चीजें बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एज सच बेसिक बहुत रॉ एनिमेशन वो होगी, अदरवाइज कुछ एज सच एनिमेशन की फैसिलिटी इसमें अभी तो नहीं है, एडवांस वर्जन में हो सकता है कभी आ भी जाए। मैम, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। जो हाँ ओपन जी, शॉट है, इसमें जब हम इसको करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या सेव करते हैं, तो फाइल है वो बहुत हैवी हो जाता है ना, तो काफी मतलब हंड्रेड्स में चला जाता है। बट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर दीक्षा पे हमें उसके लिए कंटेंट क्रिएट करना होता है, तो वी नीड इट बिनीथ 50 MB, तो उसको फिर हम कैसे मैनेज जब करें? मैंने बताया था आपका चैट में क्वेश्चन था, तो मैंने आंसर किया था। मेरा था। हाँ, ये आप मैम, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, एक तो आप उसको रेजोल्यूशन कम करके भी करके देख लीजिए एक बार, नहीं तो आप वो कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन जो हमारे बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसके अंदर हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो वाली ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। क्वालिटी थोड़ी चली जाती है मैम उसके अंदर, है ना, थोड़ा हाँ, सा वो फर्क आ तो जाता कंप्रेस में ऑफ है। कोर्स, क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर एडिट हो रहा है तो हैवी तो बनेगा ही। आप जी एक चीज जरूर कर सकते हो, जैसे हमने MPEG-4 MP4 किया, आप उसके डिफरेंट वर्जन को एक बार ट्राई करें, हो सकता है उसमें से कोई एक आध वर्जन ऐसा हो जो थोड़ी छोटी फाइल बनाता हो। एक आप ओके ये ट्राई करिए, दूसरा आप लो क्वालिटी में या मीडियम क्वालिटी में करके ट्राई करिए, क्योंकि दीक्षा मोस्टली फोन पे या लैपटॉप पे एक्सेस होता है, तो बहुत हाई क्वालिटी की जरूरत भी नहीं है उसके लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। मैम जी, एनिमेशन के लिए कौन सी ऐप बताई आपने, मोबाइल पर बता मैं सर दूंगी मोबाइल तो नहीं मुझे पता, पर वो जैसे ओपन शॉट वीडियो एडिटर कंप्यूटर के लिए, वो भी कंप्यूटर पे तो काम करती है, ब्लेंडर, BLENDER, ब्लेंडर, वो भी ओपन सोर्स है। उसके अलावा एक और ऐप है टूपी, वो भी ओपन सोर्स है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, टूपी जो है वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ब्लेंडर पहले। आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं। ओके ओके मैम, नमस्ते। जोधपुर से वाजिद अहसन काजी बोल रहा हाँ जी, हाँ जी सर बताएं। था मैडम। एक ही टाइम के अंदर हम जो ये ओपन शर्ट का पांचवा ट्रैक है, इसके ऊपर सिमिलर एक ही टाइम में काम कर सकते हैं ना? हाँ, हमने साथ में ही किया, अभी आपने देखा हमने 4 ट्रैक्स पे एक साथ काम किया, 5 ट्रैक्स पे, टोटल 6 ट्रैक हमने लिए थे, 5 के बाद एक ऐड भी किया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हमने सब पे काम किया एक साथ ही। ओके, थैंक यू मैडम। मोनिका मैम, आपने वीडियो को फोर्थ ट्रैक पे रखा, उसे ऊपर फर्स्ट या सेकंड पे क्यों नहीं रखा? फोर्थ ट्रैक सबसे ऊपर था, मतलब सेकंड लास्ट था, और मैंने ये रीजन बताया था कि जो ओवरले करना है, जैसे अभी आप बैठे हो, आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होगे कि मेरे इमेज के नीचे, मेरे फोटो के नीचे मेरा नाम आ रहा है, आपके फोटो के नीचे आपका नाम आ रहा है, तो इसी तरह अगर मेरे को अपने वीडियो में उसका नाम डालना है या यहाँ पे कोई लोगो डालना है, तो वो ओवरले हो गया, मतलब मेरे वीडियो के ऊपर नजर आएगा, तो उसके लिए हम टॉप ट्रैक को खाली रखते हैं। अगर हमें दो चीजें डालनी है, तो हमें दो ट्रैक भी ऐड करने पड़ सकते हैं, वो उसकी वजह से मैंने ऊपर के ट्रैक को एम्प्टी रखा था,
नीचे आप किसी भी लेवल पे रख सकते हो, ऐसा कोई डिफरेंस उससे आएगा नहीं। ऑडियो को तो क्योंकि विजुअली तो नहीं दिखाना ना, ऑडियो तो सुननी है, इसलिए उसे नीचे वाले ट्रैक पे हम रखते हैं। जैसे पीपीटी में ही हम करते हैं हाँ लेयर्स हाँ वाइज। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली सब कुछ सेम है, जैसे आप चाहे फोटोशॉप सीख लीजिए या ये सब में जो फिलॉसफी है वो सेम रहती है, बट थोड़ा सा हमारे हाथ वो होते बन जाते हैं क्योंकि हमें उतनी आदत नहीं होती उसको यूज करने की। कार्टून वीडियो के लिए मोबाइल ऐप, कल आप लोग सीखेंगे मोबाइल ऐप, एक बहुत अच्छी मोबाइल ऐप है एनिमेशन बनाने की, कल आपके सेशन में है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी फिर क्योंकि कल का सारा वो चला जाएगा। कैप्शन के लिए सर वही है ना, हमने टाइटल स्लाइड जो है उसके आप डिफरेंट स्लाइड्स को यूज करके कैप्शंस दे सकते हैं। विनोद जी हरियाणा से, रीसाइजर एंड्रॉयड ऐप फॉर बेटर कंप्रेसर। हाँ ऐसे तो बहुत है सर, इनके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से कंप्रेसर ढूंढ सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों के कंप्रेसर आते हैं, तो पीडीएफ का भी कंप्रेसर आता है, हमको छोटी करनी है हर जगह अलग साइज होता है तो वो हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन फ्रॉम दी टूल या कोई आपको ना चीज समझ आई हो, क्या पूरा पैराग्राफ वीडियो के साथ रन कर सकते हैं? सर अभी मैंने जो आपको बताया कि आपको वो टाइटल में जाके एक पूरा सेंटेंस लिख लीजिए जितना उस स्क्रीन पे आ रहा है, वो आपको बताएगा कितना आएगा, जहां पे आप टाइटल वाली स्लाइड में लिखना शुरू करेंगे आप उतनी स्लाइड बनाते जाइए जितना है, और उस इमेज को उतनी देर के लिए रखें उतने ड्यूरेशन के लिए जब तक वो टेक्स्ट वो बोल रहा है, तो आपको रनिंग की फील आने लगेगी अपने आप। ये आप बेहतर होगा कि दीक्षा टीम से ही पूछें कि कौन सी फाइल, कंप्रेस्ड फाइल से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यस मैम, क्वालिटी दे ठीक कैन बी होनी चाहिए, अपलोडेड। समझ ना। यस मैम, हाँ जी ये कंप्रेस्ड फाइल्स सभी दे कैन बी अपलोडेड बट दे कंप्रेस्ड, शुड बी लेस देन 50 MB। हाँ 50 MB से लेस हो और जो आप दिखाना चाह रहे हैं कंटेंट वो यस नजर आए, समझ यस में आए। नजर आए। यस दीक्षा का तो बेसिक क्राइटेरिया है कि कंटेंट शुड रीच टू द लर्नर, अगर यस नहीं पहुंच रहा यस तब तो रिजेक्ट होएगा ही। यस हाँ विल एसआरटी वर्क, एसआरटी क्या है सर, सॉरी मैं नहीं समझ पाई। रमेश सर ओहो आप भी हैं सर, आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो कैसे चलेगा, आप तो आंसर देने के लिए आ जाइए स्क्रीन पे। अनेबल टू सी क्रोमा मैम, इफेक्ट्स के अंदर है सर, आप जहां पे हमने प्रोजेक्ट फाइल रखी थी प्रोजेक्ट फाइल के साथ ही ट्रांजिशन का बटन था, ट्रांजिशन के साथ इफेक्ट्स का था, आप इफेक्ट पे जब क्लिक करेंगे उसके अंदर क्रोमा की इफेक्ट है। अगर अब और कोई क्वेश्चंस रेलेवेंट टू द सेशन नहीं है हमारे पास तो आई थिंक वी आर गुड टू गो, मैं अपने कंटेंट को तो आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। रिपीट क्रोमा, ओके ठीक है, मैं एक ब्रीफ में आपको दिखा देती हूँ क्रोमा। सर आप लिख रहे हैं कि कैन आई शो सम वीडियो एडिटेड बाय मी इन ऑडेसिटी, ऑडेसिटी में आप ऑडियो एडिट करते हैं वीडियो नहीं, वीडियो आप ओपन शॉट में ही एडिट करते हैं, तो आप जस्ट सी आरटी फाइल्स आर अ कॉमन फाइल फॉर्मेट यूज टू क्रिएट सबटाइटल्स। सर रमेश सर मैंने ये ट्राई नहीं किया है, आप जो आरटी फाइल्स की बात कर रहे हैं सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस राइट नाउ, बट आई कैन डेफिनेटली चेक लेटर ऑन। तो आप अभी सर ने उत्तराखंड से थे शायद, सर वो चाह रहे थे कि उनको बताएं क्रोमा का दोबारा से, तो मैं इन्हीं दो चीजों को दोबारा आपके सामने प्रेजेंट कर दे रही हूँ एक बार। तो सबसे पहले हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए बैकग्राउंड में क्या रहेगा और फोरग्राउंड में क्या रहेगा। बैकग्राउंड क्रोमा का जो मेन कंटेंट है वो फोरग्राउंड में आएगा, और जो भी बैकड्रॉप हम चेंज करना चाहते हैं वो बैकग्राउंड में आएगी, तो उसे हम नीचे वाली लेयर पे रखते हैं, ये मैंने रख दिया। इस वीडियो को जो हमारा कंटेंट है एक्चुअल कंटेंट उसको ऊपर वाली लेयर पे रखा, जब हम प्ले करते हैं तो हम देखते हैं, सॉरी जब हमने इसको प्ले किया तो हमने पाया कि बैकग्राउंड आ ही नहीं रहा, वही ग्रीन बैक ग्रीन स्क्रीन आ रही है, तो उसके लिए हमें हमने क्रोमा लगाना है। यहाँ पे आप देख ले जिनको इफेक्ट्स नजर नहीं आ रहे थे,
ये प्रोजेक्ट फाइल्स है, ट्रांजिशन और इफेक्ट्स। इफेक्ट्स पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे ये क्रोमा की है, ग्रीन स्क्रीन भी इसको लिखा हुआ है इन्होंने। क्रोमा को सिलेक्ट किया और नीचे लेके आके ये ग्रीन वाले वीडियो पे रख दिया। इसके ऊपर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पे हमारे पास ये दो तीन चीजें हैं जिसको हमें काम करना है। एक तो है की कलर, उस पर डबल क्लिक करेंगे, आपको कलर सिलेक्ट करना है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट स्क्रीन से भी कलर ले सकते हैं। ये ऐसे करके मैंने पिक स्क्रीन कलर, स्क्रीन पे गई, मैंने चूज किया, ये कलर सिलेक्ट हुआ, ओके कर दिया। अब वो बैकग्राउंड का सारा कलर चला गया। अब बाकी चीजें ये थ्रेशहोल्ड और हेलो में जाके हम एडजस्ट कर सकते हैं। किसी में आपका थ्रेशहोल्ड काम करेगा, ये एजिस वाला है, किसी में आपका हेलो भी काम करेगा, तो आपको दोनों जगह वो नंबर्स के साथ प्ले करके देखना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि नंबर बढ़ाने से हेल्प मिल रही है। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा कम करके देखती हूँ क्या होता है, वो भी पता चल जाएगा। आप ये देखिए, हमने टेस्ट कर लिया कि किस तरह से काम कर रहे हैं। अब मैंने 250 किया प्लस, तो ये मेरा सारा ग्रीन हट गया। अब मैं इनको मूव करना चाहूँ तो मूव करके प्लेस कर सकती हूँ, साइज छोटा कर सकती हूँ, वैसे ही अपना प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज द क्रोमा एप्लीकेशन। आई होप सर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रिपीट क्रोमा आप में विनय जी को समझ में आ गया होगा। लोगो हटाने के लिए, मेरे को सर लोगो हटाने का ऐसे कोई आइडिया नहीं है, दिस इज आउट ऑफ माय एरिया। हाँ जी ओलिवर, यस मैंने सुना है इसके बारे में, मैंने ट्राई नहीं किया है। गुड, अगर आपने ट्राई किया हम भी देख सकते हैं, अगर अच्छा है तो उसको हम वी कैन ट्राई, ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो ट्राई। ओके देन, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक कुछ तो काम आपकी ये इन्फॉर्मेशन आई होगी, थोड़ा बहुत तो आपको कुछ एप्लीकेशन बेस्ड समझ में आया होगा कि आप एक वीडियो क्रिएट कर पाए। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत चीजें हैं, बट जो है एज ए टीचर हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम वो काम कर सकते हैं और वो वीडियो क्रिएट हम कर पाएंगे। तो उस टेक्निक से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल ये टूल रहेगा। और भी बहुत टूल्स हैं, कीप एक्सप्लोरिंग देम, क्योंकि टेक्निक जो है एडिटिंग की वो सेम रहेगी। आप एक टूल अगर सीख गए तो दूसरा टूल आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए वो सभी इजी होंगे। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन। ओवर टू, थैंक यू सो मच मोनिका मैम, आपने बड़े ही डिटेल्ड और इनलाइटनिंग सेशन था आपका, काफी अच्छे तरीके से बड़ी पीसफुली समझाया सबको। नो डाउट थोड़ा सा डिफिकल्ट है टूल, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, और बहुत ही अच्छा टूल है वीडियो रिसोर्सेज के लिए जो काफी टाइम से प्रैक्टिस किया जा रहा है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप समझ ना पाए और उस पर कर ना पाए, बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा अगर टाइम देंगे तो बहुत अच्छे से समझ लाएंगे। जैसा कि मैम ने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप, आप ये वीडियो सेशन हम अपलोड भी कर देंगे, आप देख सकते हैं फर्दर आपको कोई नीड हो तो। थैंक यू सो मच मैम, और इसी के साथ मैं टी ब्रेक के लिए आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दे देता हूँ कि आप लोग टी इंजॉय कर सकें, हम वर्चुअली ही